हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप एक्सिस बैंक से अपने लिए पर्सनल लोन लेने वाले हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या बनेंगे, आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, और सबसे मेन चीज़ दोस्तों उसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। यानी अगर आप यहाँ से 5 लाख का लोन लेते हैं तो 5 लाख के लोन की मंथली ईएमआई अगले 5 सालों में क्या बनेगी। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कमेंट भी किया हुआ है कि हमें अगर 5 लाख का पर्सनल लोन चाहिए 5 सालों के लिए तो हमारी मंथली ईएमआई क्या बनेगी एक्सिस बैंक से, वो डिटेल्स हमें बता दीजिए। आज की वीडियो इसी डिटेल्स पर है, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं जो अगर एक्सिस बैंक से हम लोग आज लोन लेने वाले हैं पर्सनल लोन, तो उसके लिए डिटेल्स हम लोग थोड़ी बहुत जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं इस वीडियो में हम लोग। तो यहाँ पे जो आप मैक्सिमम लोन ले सकते हैं वो अपने लिए आप ले सकते हैं इस बैंक से 40 लाख तक का मैक्सिमम लोन आप लोग ले सकते हैं एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन के लिए, जो कि 5 सालों के लिए ले सकते हैं। यानी आप 40 लाख का लोन एक्सिस बैंक से 5 सालों तक के लिए बड़े आराम से पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग अगर इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो जिसकी स्टार्टिंग हो रही 10.49% से, यानी एक्सिस बैंक का जो बैंक ऑफ इंटरेस्ट है वो 10.49% से स्टार्ट हो रहा है। और प्रोसेसिंग फी की बात करें तो वो 2% प्लस GST, यानी जो अगर मान लीजिए आपका जो 5 लाख का लोन है उसमें 2% प्लस GST आपको प्रोसेसिंग फी देनी होगी। और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट फॉर प्री अप्रूव्ड पर्सन, यानी जो पहले से अप्रूव्ड पर्सन उनके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको नॉन प्री अप्रूव्ड पर्सन पे 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और 2 ईयर्स की आपको सैलरी स्लिप दिखानी पड़ेगी। अब दोस्तों, हम लोग अगर चलते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पे हम लोग इसकी ईएमआई कैलकुलेट करने वाले हैं। अगर हम लोग एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं तो उसकी ईएमआई मंथली ईएमआई क्या बनेगी। इससे पहले हम लोग थोड़ी दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी जान लेते हैं कि इसकी कुछ एलिजिबिलिटी आपके लिए क्या क्या बनेंगी। तो चलिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग जान लेते हैं। तो अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे अगर इसकी एलिजिबिलिटी की आपके साथ क्या क्या बनेंगे, तो आप अगर इंडिविजुअल्स हैं तो जो कि पर्सनल लोन लेना चाहते हैं उनके लिए आप देख सकते हैं, यहाँ सैलराइड एम्प्लॉयज में आप डॉक्टर हो सकते हैं, एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के हो जाते हैं। और आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी 60 ईयर होनी चाहिए। और आपकी मंथली जो सैलरी होनी चाहिए वो मिनिमम 15,000 तो होनी चाहिए इस बैंक से लोन लेने के लिए। अब दोस्तों, हम लोग इसे अगर इसके इंटरेस्ट बैंक ऑफ इंटरेस्ट की बात करें और इसके कुछ चार्जेस की, तो वो आप लोगों को आपको बता देते हैं। जो कि इसका इंटरेस्ट रेट दोस्तों लग रहा है पर्सनल लोन के लिए 1 MCLR के लिए 9.1% लग रहा है, और जो इफेक्टिव ROI के लिए लग रहा है 10.49% लग रहा है। दोस्तों, जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट लगेगा इस बैंक वो 10.49% लगेगा, जो कि 22% तक होगा। ये आपके सिविल स्कोर के आधार पर लगेगा आपका इंटरेस्ट रेट। चलिए दोस्तों, हम लोग 11% के हिसाब से इसकी मंथली में कैलकुलेट करेंगे कि 11% के हिसाब से अगर कोई बैंक पर्सन लोन लेता है एक्सिस बैंक से 5 लाख का 5 लाख सालों के लिए, तो इसकी मंथली में क्या बनेगी। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पर आप अपने होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन की मैं बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अपने पर्सनल लोन की ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो पर्सनल लोन के ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया है। हमारा जो पर्सनल लोन था वो 5 लाख का था, यानी 5 लाख का हम लोग पर्सनल लोन लेने वाले थे 11% ब्याज की दर पर अगले 5 सालों के लिए। तो अगले 5 सालों में जो हमारी मंथली ईएमआई निकल के आती है एक्सिस बैंक से, अगर हम लोग 5 लाख का लोन 11% की ब्याज की दर पर अगले 5 सालों के लिए लें, तो वो आती है 10,871 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट पेएबल बनता है हमारा 1,52,273 रुपये, और हमारी टोटल पेमेंट बनती है 6,52,273 रुपये, जिसमें आपको जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 22.3% बन रहा है, और प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका बन रहा है वो 76.7% बन रहा है। अगर आप इसी लिंक में थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको ये ग्राफ देखने को मिलता है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको किस ईयर में कितनी पेमेंट करनी है। और थोड़ा नीचे आएंगे आपको यहाँ पर मंथली वाइज आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाती है, जहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो मनी है वो उसमें क्या प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, क्या इंटरेस्ट लगेगा, क्या इंटरेस्ट परसेंटेज रहेगा, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और आपको यहाँ पे पूरी लास्ट मंथ तक की सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है कि लास्ट मंथ में आपको कितनी पेमेंट बचेगी, लास्ट पेमेंट आपकी कितनी बाकी रहेगी। दोस्तों, यहाँ ये वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।